वेलकम लवर्स, वेलकम टू द फिजिक्स लवर अमन कुमार यूट्यूब चैनल और फिजिक्स की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम ग्रेविटेशन में आगे बढ़ रहे हैं। आज हम ग्रेविटेशन का एक और लेक्चर लेकर के आए हैं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि इस लेक्चर में भी हम वही चीज डिस्कस कर रहे हैं जो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कि जी की वैल्यू में कैसे परिवर्तन आता है। पहले हमने देखा एच हाइट ऊपर जाने पर क्या परिवर्तन आता है, फिर हमने देखा एच हाइट नीचे आने पर क्या परिवर्तन होता है। अब आज हम देखने वाले हैं कि भैया जब हमारे पास लेटिट्यूडनल यानी लेटिट्यूड की अगर हम बात करें यानी अक्षांश की बात करें, पोल पर कितना होता है, ध्रुवों पर कितना होता है, इक्वेटर पर कितना होता है, ये सब चीजें तो आप जानते हो। जैसे मान लो ये हमारा अर्थ है, आपको ये सब चीजें पता भी होंगी, आप पढ़ चुके हो। यदि हमारा ये अर्थ है, SST में पढ़े होंगे, ये होती है हमारे पास इक्वेटर लाइन, इसे बोलते हैं भूमध्य रेखा। और ये जो होते हैं हमारे पास ये पोल्स होते हैं, क्या होते हैं हमारे पास, ये नॉर्थ और साउथ पोल हो गए, है ना। तो ये इक्वेटर लाइन हो गई और ये नॉर्थ और साउथ पोल हो गए। तो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि इक्वेटर पर जो हमारे पास जी की वैल्यू होती है वो मिनिमम होती है और जो पोल होते हैं वहां पर हमारे पास मैक्सिमम होती है। वो कैसे आता है, डेरिवेशन कैसे करते हैं, क्या होता है, वो सारी चीजें अपन आज डिस्कस करने वाले हैं। तो डेरिवेशन करने के लिए हमने माना कि पहले चलिए एक छोटी छोटी बातें कर देते हैं कि जैसे मान लो, जैसे आपको पता होगा, आपको बताया मैंने कई बार एग्जांपल बताया, एक रस्सी में आपने एक पत्थर को बांधा और उसको ऐसे से घुमाते हो, तो वो किस फोर्स के कारण घूम रहा होता है, तो सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल जैसे दोनों बोल सकते हो आप, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी अपकेंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण वो क्या होता है, घूम रहा होता है। पहली बात ये हुई, आपको पता है अच्छे तरीके से। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो, आपको दूसरा एग्जाम्पल मैं दूं, आप जब झूले में बैठते हो, जो ऐसे ऐसे घूमने वाला झूला होता है मेले में जब जाते हो, तो अगर आप झूले में बैठते हो तो झूले में आपने देखा होगा जब आप घूम रहे होते हो ना, तो घूमते समय क्या हो, जैसे जैसे आप उस झूले की स्पीड बढ़ती जाती है, तो ऐसा आपको प्रतीत होता है कि आप बाहर की तरफ फेंक रहे हो, तो एक फोर्स आपको बाहर की तरफ फेंकने की कोशिश कर रहा होगा, उसी फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है ना। सेंट्रीफ्यूगल यानी अपकेंद्रीय बल, ठीक है ना। तो वो आपको बाहर की ओर फेंकने की कोशिश कर रहा होगा। जैसे मान लो आप ये रस्सी घूम रहा होगा, तो इधर साइड बाहर की ओर जो लग रहा होगा वो लग रहा होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्रीय बल। और अंदर साइड जो हमारे पास लग रहा होता है वो सेंट्रीपेटल फोर्स, पेटल याद रखना, पेटल और फ्यूगल, है ना। तो पेटल फोर्स, इसे बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं इसे। और जो बाहर की ओर फेंकने की कोशिश कर रहा होगा वो होता है हमारे पास अपकेंद्रीय बल। तो बाहर की ओर जो और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे मान लो आप आपने एक थाली लिया और उसमें एक पत्थर रख दिया। अब थाली को जब ऐसे ऐसे घुमा रहे हो तो पहले वो बढ़िया घूम रहा है, लेकिन जैसे जैसे आपने थाली की स्पीड तेज कर दी, तो वो पत्थर क्या होगा, बाहर निकल के गिर जाएगा, बाहर चला गया। मतलब स्पीड बढ़ाने पर क्या होता है कि जो चीज सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रही थी वो क्या होती है, सेंट्रीफ्यूगल, ये फोर्स ज्यादा होने के कारण बाहर साइड फेंक जाती है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, तो आप यहां से निकाल सकते हो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे मैक्सिमम लिख लो, जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है और यहाँ जी की वैल्यू मिनिमम होती है, बताऊंगा अभी निकाल के दिखाऊंगा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मान लेते हैं जो हमारा जो भी है प्लैनेट घूम रहा है, पत्थर घूम रहा है, जो भी है, तो वो हमारे पास m है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जो वैल्यू होती है mv² r होती है। यदि r रेडियस में घूम रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जो वैल्यू होती है, ये जो हमारे फोर्स की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी आ गई, ये आ गई पहला हमारे पास ये कंसेप्ट आ गया। अब भैया हम बात कर रहे हैं ये हमारा कंसेप्ट, इसी को इस फॉर्मूले को हम v बराबर जो होता है हमारे पास वो ओमेगा r होता है, तो हम इसे लिख सकते हैं m ओमेगा स्क्वायर r, कैपिटल r मान के चलो, अगर चलो छोटा r मान, नहीं चलो तो बड़ा r, है ना, mv स्क्वायर / r, ये कैपिटल r, m ओमेगा स्क्वायर r हो जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास फोर्स आ गया जो कि हमारे पास बाहर की ओर उस बंदे को फेंकने की कोशिश कर रहा होगा, ठीक है ना। तो चलिए मान लेते हैं यहां पे हमारे पास एक पार्टिकल है मान लेते हैं, मतलब कि एक हम एक तरह से जो घूम रहा है, तो वो मतलब जो जिस चीज से पत्थर लिया हमने, रस्सी बांधी, पत्थर रस्सी, आप पृथ्वी समझो, मतलब कि आप ऐसा समझो कि आपने क्या किया, एक रस्सी है आपकी, इस रस्सी में आपने क्या किया, एक पत्थर को
बांध दिया और आप उसे घुमाने की कोशिश कर रहे हो। तो आपको जब झूले में आपने बैठा होगा, देखा होगा जब आपका पोल आता है तो जब एकदम से नीचे आता है ना तो बहुत ज्यादा ग्रेविटी लेस फील होता है आपको, है ना, क्योंकि ऊपर ग्रेविटी की लड़की होती है हमारे पास ज्यादा होती है, जैसे नीचे आते ग्रेविटी लेस फील होता है। आपको भी वो मेले वाले झूले में बैठना जो एकदम ऐसे ऐसे गोल गोल वाला रहता है, जब ऊपर से इधर साइड आ रहे होते हो, जब आप ऊपर से इधर साइड आ रहे होते हो तो आपको ऐसा फील होता है कि बस खत्म सब कुछ, यहाँ पे सबसे ज्यादा डर लगता है, क्योंकि जब यहाँ से जब नीचे आ रहे होते हो ना सबसे ज्यादा डर लगता है। क्यों डर लगता है पता क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे रहते हो आपको बढ़िया ग्रेविटी है आपके वहाँ पास, फिर जैसे ही ऐसे नीचे आने लगते हो तो ग्रेविटी लेस फील होता है। आपका जो वजन होता है ना, जो आपका वेट होता है बॉडी का, वो बहुत कम होने कम हो जाता है। ये तो हमने डिस्कस भी किया कई बार कि ग्रेविटी के अनुसार हमारा वेट निर्भर करता है, जो हमारा वेट होता है वो ग्रेविटी के अनुसार निर्भर करता है, स्वाभाविक सी बात है, वेट बराबर एमजी होता है। तो जब पहले आपके पास वेट था, अब जब आप हल्के फील करने लगोगे तो लगेगा उड़ने वाले हो, हल्के फील करने लगोगे तो उड़ने वाले हो। तो कभी जो बच्चा मेले में झूला में बैठा होगा वो बहुत अच्छे से इंटरप्रेट कर पा रहा होगा कि जब वो ऊपर जब मैं बैठा था देखो यहाँ पास से डायरेक्ट नीचे आता है, जब वो मेला गोल गोल घूम रहा है जब यहाँ से डायरेक्ट नीचे आता है ना, तो जब इधर साइड आते हैं तो बहुत डर सा लगने लगता है। सो मेरा डर यही भी लगता है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जब ऐसे आने लगते हैं तो ग्रेविटी लेस हो जाती है। ग्रेविटी क्या होती है? अचानक से फॉल डाउन होती है, ग्रेविटी अचानक से कम होती है, जिस वजह से हमें वहां पे डर लगने लगता है, ठीक तरह से बोल सकते हो। तो मान लो यहाँ पे ये जो पार्टिकल है वो ऐसा यहाँ पे है, तो वो यहाँ पे ऐसा सर्कल बना के घूम रहा होगा, ठीक है ना, ऐसा उसका सर्कल यहाँ पे बन रहा होगा, जिसके कारण यहाँ पे इसका रेडियस मान लेते हैं कैपिटल स्मॉल आर है। क्या है इसका रेडियस? स्मॉल आर है। तो अच्छा स्मॉल आर ले रहे हो ना, तो स्मॉल आर लेके सॉल्व करोगे ना, स्मॉल आर, ठीक है ना, यहाँ पे भी स्मॉल आर ले लो, है ना। तो यहाँ पे यहाँ पे घूम रहा है बंदा, स्मॉल आर है, मान लेते हैं कि इक्वेटर से जो एक्सिस से हमारे पास जो एंगल बन रहा है उसे लैम्डा बोल देते हैं। अब आपको पता है कोई भी पार्टिकल हो कहीं पर भी हो, सेंटर की ओर, पृथ्वी के सेंटर की ओर हमेशा, कोई भी पार्टिकल हो पृथ्वी के सेंटर की ओर हमेशा क्या लगाता है? mg फोर्स लगा रहा होता है। तो हमने पढ़ रखा है, बताओ पढ़ रखे हो कि नहीं पढ़ रखे हो, कि जो सेंटर की ओर फोर्स लगता है उसी फोर्स को mg बोलते हैं। मैंने बताया था आपको, जैसे मान लो एक बॉडी को आप नीचे गिराते हो तो इसके नीचे जो फोर्स लग रहा होता है वो mg लग रहा होता है, क्योंकि सेंटर ऑफ अर्थ जो होता है, सी वही सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ का केंद्र यहां की ओर था। अभी हमने बोला है कि ये जो पॉइंट है वो अर्थ का सेंटर है, अभी हमने क्या बोला? अर्थ का सेंटर है ना, तो ये जो पॉइंट है वो अर्थ का सेंटर है। तो हमेशा जो mg बल होता है यानी जो mg फोर्स होता है वो किधर साइड लगता है बच्चों? सेंटर की ओर लगता है, यानी mg फोर्स इधर साइड लग रहा होगा, मास हमारे पास mg है। अब ये पार्टिकल ऐसे ऐसे घूम रहा है तो जो इसको बचा रहा होगा फोर्स, ऐसा कौन सा फोर्स है जो इसको बचा रहा होगा घूमने से, मतलब गिरे ना ये, गिर ना जाए, मतलब कि बाहर की ओर फेंक ना जाए। जैसे आप झूले में बताया कि झूले में जब झूलते हो तो लगता है कि बाहर की ओर फेंक जाओगे, तो यदि मान लो बहुत ज्यादा स्पीड हो गई ना झूले की तो आप बाहर की तरफ फेंक सकते हो, जैसा कि हमने वो बोला कि जैसे थाली में हमने एक पत्थर रखा था वो बाहर की ओर चला गया स्पीड बढ़ाने पर। तो एक फोर्स होता है जो इसको रोकने की कोशिश कर रहा होगा, मतलब उस फोर्स को बोलते हैं ये हमारा जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो एम ओमेगा स्क्वायर जो होगा वो बाहर साइड लग रहा होगा, हमारे पास इधर साइड एक mg फोर्स लग रहा है, इधर साइड हमारे पास क्या लग रहा है? m ओमेगा स्क्वायर r फोर्स लग रहा है, m ओमेगा स्क्वायर r, m ओमेगा स्क्वायर r। तो तुम लोग ये चीज समझ में आ रहा है, तुम लोग ये चीज को इंटरप्रेट कर पा रहे हो कि भैया अगर ये तो फिर ये मतलब गिर जाना चाहिए इसे। तो अगर mg इधर लग रहा है और इधर m ओमेगा स्क्वायर r लग रहा है, m ओमेगा स्क्वायर जो r होता है हमारे पास, ये वाला जो फोर्स होता है हमारे पास, जो हमारे पास ये वाला फोर्स होता है m ओमेगा स्क्वायर r, बनाता हूं वापस, है ना, ये m ओमेगा स्क्वायर r फोर्स हो गया। तो इसके कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स आ रहे होंगे, तो यदि मान लो हमारे पास, यदि इसके कंपोनेंट्स की बात करूं मैं, तो एक कंपोनेंट इधर साइड आ रहा होगा और एक कंपोनेंट इधर साइड आ रहा होगा। कंपोनेंट कैसे निकालते हैं ये तो आपको 11वीं क्लास में पढ़ना पड़ेगा यार, पढ़े होंगे मेरे हिसाब से, देखो मैं बता देता हूं फिर भी बता देता हूं। अगर यहाँ पे लैम्डा है तो बोलो यहाँ पे भी लैम्डा होगा क्योंकि ऐसे जेड बन रहा है, यहाँ पे लैम्डा है यदि तो यहाँ पे भी लैम्डा होगा, और फिर यदि हमारे पास इसकी बात करो, इस वाले की बात करो, तो यहाँ भी लैम्डा होगा अपोजिट एंगल की मदद से, यहाँ लैम्डा है तो यहाँ भी लैम्डा होगा, यहाँ लैम्डा हो गया, है ना, यहाँ लैम्डा हो गया और यहाँ हमारे पास था एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो हमने पढ़ रखा है कि लैम्डा से अटैच्ड वाली जो लाइन होती है, लैम्डा से अटैच्ड वाला जो वेक्टर होता है, यहाँ बड़े तर्ज पे अगर मैं बनाऊं तो ये हमारे पास है एम ओमेगा स्क्वायर आर और ये हमारे पास है एम जी। तो ये जो होगा हमारे पास वो होगा एम ओमेगा स्क्वायर आर इनटू कॉस लैम्डा,
क्यों? क्योंकि जो इससे अटैच्ड होता है, जो वेक्टर से अटैच्ड होता है उसे बोलते हैं कॉस के टर्म्स में, और जो ये वाला टर्म होता है अटैच्ड नहीं होता उसे बोलते हैं अपन एम ओमेगा स्क्वायर आर, और साइन लैम्डा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइन लैम्डा। ये वाला वेक्टर एम ओमेगा स्क्वायर आर इंटू साइन लैम्डा, और ये वाला वेक्टर एम ओमेगा स्क्वायर आर इंटू कॉस लैम्डा। देखो मैं फिर कह रहा हूँ, पहली बार पढ़ रहे हो ना तो आपको समझ में आना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क लग सकता है, लेकिन जब आप इसको घर में एक बार और पढ़ेंगे, एक बार अपने से बिना देखे कर लेंगे, तो आपको सारी चीजें याद जाएंगी। कुछ नहीं करना है, फोर्स को हमें बताना है, फोर्स को दर्शाना है और फोर्स के वेक्टर्स को बनाना है। तो इसको एक एमजी फोर्स मैंने बताया सेंटर की ओर लगता है, और ये बाहर की ओर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। फिर मैंने बताया इसके दो टुकड़े हो सकते हैं, एक टुकड़ा इधर साइड, एक टुकड़ा इधर साइड, एक टुकड़ा इधर साइड, एक टुकड़ा इधर साइड। तो हमने ये दो टुकड़े कर दिए, तो ठीक है। अभी हमने देखा, अब ये देखो कि यहाँ साइड आपको एम जी फोर्स लग रहा है, यहाँ साइड एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लैम्डा लग रहा है। आप इस बात को समझिए, यदि मान लो मैं यहाँ खड़ा हूं और दो जने मुझे, एक जना इधर साइड से खींच रहा है, एक जना इधर साइड से खींच रहा है, मान लो ये वाला ज्यादा ताकतवर है तो मुझे इधर साइड जाना पड़ेगा, और ये वाला ज्यादा ताकतवर है तो मुझे इधर साइड जाना पड़ेगा। तो अगर मान लो ये वाला फोर्स, ये वाला एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लैम्डा, अगर ये ज्यादा हो गया एम जी से, अगर ये वाला फोर्स ज्यादा हो गया एम जी से, तो भैया ये जो पार्टिकल था वो बाहर फेंक जाएगा। ये वाला ज्यादा हो गया तो ये क्या हो जाएगा? बाहर चला जाएगा। चला जाएगा नहीं चला जाएगा? लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि जो अंदर साइड फोर्स लग रहा है वो ज्यादा है, अंदर साइड जो लगने वाला बल है वो ज्यादा है। अगर मतलब कि अंदर साइड एक फोर्स लग रहा होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि बाहर वाला फोर्स ज्यादा होगा, अगर बाहर वाला फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो बाहर साइड फेंक जाएगा, है ना? तो बाहर साइड अपने को फेंकना नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अंदर साइड हमारे पास जो ग्रेविटेशनल के कारण जैसे एमजी तो लग ही रहा है, वो एक एडिशनल फोर्स लग रहा होगा कोई, जो कि हमें इसको बचा रहा है। एक एडिशनल फोर्स लग रहा होगा, वो होगा इस ग्रेविटी, यहाँ की ग्रेविटी के कारण। तो जो हमारे पास वो आएगा उसकी वैल्यू हम बोल देते हैं, मान लेते हैं एमजी डैश, मान लेते हैं जो अंदर साइड सेंटर की ओर हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा वो लग रहा होगा एम जी डैश। तो एम जी डैश क्या लग रहा होगा? जो इन दोनों का डिफरेंस करने में अंतर आ रहा है, जैसे मान लो एम जी माइनस हमने इसको किया और 5 न्यूटन आया, मतलब 5 न्यूटन का हमारे पास अंतर आ रहा है। तो ये एम जी डैश जो होगा वो 5 न्यूटन होगा, मतलब कि इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही हमारा नया जो फोर्स है, जो नया फोर्स यहाँ पे आने की वजह से, यहाँ पे इस बंदे को, इस पार्टिकल को यहाँ घूमने की वजह से, जो सेंटर की ओर, जो सेंटर की ओर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था, जैसे हर जगह तो एम जी नहीं लगेगा, हर जगह तो एम जी लगेगा नहीं, हम जानते हैं कि वो अगर वो जी की वैल्यू चेंज हो रही तो एम जी डैश हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था वो मान लेते हैं कि एम जी डैश लग रहा था, और वही एम जी डैश किसके बराबर होगा? इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा। तो उसे हमने कर दिया एम ओमेगा स्क्वायर, सॉरी बड़ा तो एम जी है ना, बड़ा कौन सा एम जी है, क्योंकि बड़ा अगर बाहर वाला होगा तो बाहर चला जाएगा, फिर जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर और कॉस लैम्डा। तो यहाँ से आपको ये पता चलेगा, एम से एम कैंसिल कर दीजिए, यहाँ से जी डैश बराबर आपके पास आ जाएगा जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर इंटू कॉस लैम्डा। यही है हमारा आंसर। क्या आर की वैल्यू को एक काम करो, रेड, ये तो आर, ये छोटा वाला रेडियस था, अब हम आर को क्या करते हैं ना, आर को पृथ्वी के रेडियस के टर्म्स में लिखते हैं। तो यही अब आर की वैल्यू को अपन को रिप्लेस करना है। आर की वैल्यू को कैसे रिप्लेस करेंगे? आप ये वाला ट्रायंगल ले लीजिए एक बार, ये वाला ट्रायंगल एक बार ले लीजिए। जब आपने ये वाला ट्रायंगल लिया, यहाँ पे आपके पास क्या बन रहा है? लैम्डा बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी लैम्डा था, तो इसका जेड बनने की वजह से यहाँ पे भी लैम्डा आ गया, तो ये लैम्डा बन रहा था और ये कैपिटल आर था। तो अगर ये आर है, तो आर है और आर और लैम्डा अटैच है, जो आर है जिससे लैम्डा अटैच्ड होता है वो वाला टर्म होता है कॉस लैम्डा, कॉस वाला, और ये होगा हमारे पास आर साइन लैम्डा, और इसी को हमने क्या बोला है, स्मॉल आर बोला है। तो स्मॉल आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं? कैपिटल आर कॉस लैम्डा। तो यहां से हमने जी डैश बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर, स्मॉल आर की जगह हमने लिख दिया आर कैपिटल आर इंटू कॉस लैम्डा, तो कॉस लैम्डा इंटू कॉस लैम्डा कॉस स्क्वायर लैम्डा, यानी जी की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, दैट इज अवर फाइनल आंसर। अब एक चीज कुछ लोगों को भूल जाता है बार बार, तो उसको समझा, उनको समझा देता हूं। जैसे मान लो ये कैपिटल आर है, तो जिससे ये लैम्डा अटैच्ड होता है उस वाले टर्म को बोलते हैं कॉस वाला टर्म, और ये वाला टर्म कहलाता है साइन वाला टर्म। तो अब तो समझ में आ गया होगा। तो कुछ नहीं किया मैंने, ये वाला ट्रायंगल लिया, स्मॉल आर था, ये कैपिटल आर था, ये कैपिटल आर था, ये लैम्डा था, तो लैम्डा से अटैच था तो आर कॉस लैम्डा लिखा, और ये वाला जो टर्म था हमारे पास आर साइन लैम्डा लिख दिया। तो आर की वैल्यू आर कॉस लैम्डा आ गई, आर बराबर आर कॉस लैम्डा पुट कर दिया वहां पे, तो हमारे पास जी डैश बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा। तो इस फॉर्मूले को आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए अब थोड़ा सा मिनिमम मैक्सिमम की बात कर लें, कैसे आपने पोल पर मिनिमम और मैक्सिमम बोला है,
उस चीज को बात कर लेते हैं, है ना। यदि आपने इतना कर लिया तो आप ये मान लीजिए जेई मेंस जेई एडवांस सबका करा दिया, ऐसा नहीं कि उनमें अलग से आएगा, है ना। तो जी डैश बराबर आ गया हमारे पास जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर इंटू कॉस स्क्वायर लैम्डा, है ना। कैसे, ओमेगा स्क्वायर आर इंटू कॉस स्क्वायर लैम्डा। तो अब बात करते हैं कि लैम्डा की वैल्यू को वैल्यू करते हैं। जब हम इक्वेटर की बात करेंगे, इक्वेटर की बात करेंगे मतलब यही वाली लाइन की बात कर रहे हो, तो लैम्डा का कुछ बन नहीं रहा, मतलब लैम्डा बराबर जीरो। तो लैम्डा की वैल्यू को जीरो पुट कर दो, जब जीरो भी पुट करोगे तो कॉस लैम्डा कॉस जीरो वन होता है। तो जी डैश बराबर आ जाएगा हमारे पास जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। ये कब आया है, एट इक्वेटर। एट इक्वेटर मतलब होता है भूमध्य रेखा में, है ना, भूमध्य रेखा में आया है ना। तो भूमध्य रेखा में आपके पास जी की वैल्यू ये आ रही है। यदि आप पोल की बात करते हो, पोल मतलब यहां पर निकालना चाहते हो, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 90 डिग्री। जब लैम्डा की वैल्यू 90 डिग्री में लिखोगे तो कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है, तो जी माइनस यहाँ जीरो हो जाएगा। तो जी डैश बराबर कितना आ गया, जी आ गया। देखो तो हमने यहाँ तो निकाल चुके हैं सरफेस पर हमेशा जी की वैल्यू क्या होती है, जी के बराबर होती है। देखो यहाँ पर क्या आया है, जी के बराबर आया है, मतलब यहाँ पर मैक्सिमम आई है और जी में से कुछ माइनस कर रहे हो आप, तो यानी कि इक्वेटर में क्या आती है, कम आती है, और यहाँ पर क्या आती है, पोल पर क्या आती है, मैक्सिमम आ रही होती है। तो आई थिंक आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, नहीं समझ में आया, एक बार में तो ऑब्वियसली बात है यार, एक बार में कैसे समझ में आ जाएगा, एक बार में समझ में आइंस्टीन थोड़ी ना, एक बार में समझ में आ जाएगा। आज पहली बार पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा, दूसरी बार एक बार और पढ़ो, देखो कि मैंने किन किन फोर्सों का इस्तेमाल किया है, कैसे उन फोर्सों को अप्लाई कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। मैं मानता हूँ इस बात को कि आपने फिजिक्स में बहुत कम पढ़ाई, मान लो बहुत कम पढ़ा है आपने, बहुत सारी चीज़ें नहीं सीखी हैं, कैसे वेक्टर करते हैं, कैसे ये क्या करते हैं, इन सब चीज़ों से आप फैमिलियर नहीं हो। जब तक आप इन सब चीजों से फैमिलियर नहीं रहोगे तो आपको तो डिफिकल्टी लगेगा ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो 2+2, जब तक आप इससे फैमिलियर नहीं, आंसर इसका 4 आता है, डायरेक्ट लिख दिए। जब तक आप इससे फैमिलियर नहीं थे, आप इसको परिवार नहीं बनाए थे अपना, मतलब बचपन में, तो आप ये दो लाइन खींचे, फिर ये दो, फिर ये 1 2 3 4 ऐसे करके काउंट करते रहो, जैसे ही आप फैमिलियर हो गए तो ऐसे तुरंत काउंट करने लगे। उसी प्रकार ये सब चीजें फिजिक्स की चीजें होती है ना, जो मैं पढ़ाता हूँ, ये जो चीजें वेक्टर दिया, इनसे आप फैमिलियर नहीं हो तो आप कुछ नहीं, जब आप करो तो एकदम छोटा बच्चा समझ के अपने आपको, यू आर छोटा बच्चा, आप छोटा बच्चा समझो अपने आपको, कुछ नहीं आता आपसे फिजिक्स में अभी, उस तरह समझो। और छोटी छोटी चीजें जो मैं बता रहा हूँ फिजिक्स में, ऐसे ऐसे वेक्टर करना है, ऐसे ये करना है, ऐसे देखो ये देखो ऐसे एंगल सेम हो गए, तो यही सब चीजें थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सीखते जाओ। क्योंकि मैं मानता हूँ, एक मैं कई बार बोल चुका हूँ कि एक चैप्टर भी अगर अच्छे से आपने पढ़ लिया ना, तो मान लो फिजिक्स में आपसे डेरिवेशन वगैरह चीजें जो है वो आगे की चीजें समझ में आना चालू हो जाएगी। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तो पढ़ोगे, तो आगे की चीजें समझ में आने के लिए 12वीं में जो आप पढ़ने वाले हो वो चीज़ समझ में आने के लिए आपको 11वीं में ये सब चीज़ सीखना होता है। अभी तक नहीं सीखो तो कोई बात नहीं, अब सीख लो, ठीक है ना। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू लवर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।